आज रूबी दिखाएंगी कि वो निहारी कैसे प्यार करती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपको दिखाते हैं कि निहारी किस तरह बनाते हैं। बहुत सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं, आप कोशिश करें तो बहुत आसान हो जाएगा। मैंने 2 kg लेग मटन का गोश्त ली है, 150 ml मैंने ऑयल लेना, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैंने फिर अनियन फ्राई करके बाद में भी डालना है। 2 tablespoon मैंने ली है कॉर्नफ्लोर के, ज़्यादा भी डाल सकती, थिकनेस पे डिपेंड करता है, अब जब डालते हैं तो उसमें देखा जाएगा। शान मिसाले का भी मैंने 1 packet लिया है, अगर आपको ज़्यादा मिसाले खाते हैं तो आप 2 packet डालें, अगर 1.5 packet डाल सकते हैं वरना हाफ, अगर लेस खाते हैं तो 1 packet काफ़ी है, मेरी फैमिली के लिए 1 packet काफ़ी है। मैंने 3 onion लिए मीडियम वाले, ये मैंने फ्राई करके बाद में आखिर में डाल लिया है, और 1.5 मैंने लिए है पूरा क्लोव ऐसे गार्लिक का, और ये मैंने डालना है, ये मैंने 100 ml ऑयल डालना है, 100 काफ़ी है, फिर अनियन फ्राई करने के लिए 100 काफ़ी होगा। ये मैंने चॉप करके रखी थी गार्लिक, अभी चॉप की है, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो निहारी का गोश्त है, पीपल लाइक इट ऑन द बोन या बोन के ऊपर जैसे पसंद है, हम जो है ना स्पेशली हम कटवाते हैं डिफरेंट, यूरोपियन है ना हमारा जो है ना कट का जो ये ऐसे मोटे पीस जाते हैं, मैं लेग पीस लेती हूं ना, ये लेग पीस का लेके ना तो फिर ऐसे आप देख सकते हैं इसके कट कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये बच्चे स्पेशली गोश्त पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते, मैं लेग लेती हूँ और लेग का सारा पीस करके खुद करवाते हैं, दिस इज वेरी डिफरेंट एंड आई लाइक दिस, आई प्रेफर द मीट लाइक दिस हियर, तो खाने को भी मज़ा आपको आता है, लेकिन सीधा पे ये लेग का जो मोटा मोटा पीस है बस। इतने काफ़ी हैं, अब क्या करेंगे हम गोश्त ऐड कर देंगे इसके। अगेन आप देख सकते हैं हांडी में बना रहे हैं, क्योंकि हांडी का जायका डिफरेंट होता है, और क्या कहते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है। 4 to 5 minutes आप इसको ऑयल और गार्लिक में भून लें। ठीक है जी, ये शान का निहारी मिसाला है, आपने अभी 1 packet ऐड करना है, अगर आपको लगे थोड़ा सा आप फिर टेस्ट कर लें, लगे तो फिर और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, इसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ना कोई नमक ना कोई मिर्चें, नथिंग, जस्ट जो जैसे है इसका बिल्कुल, और जो घर की ओरिजिनल होती है ना अपने मिसालों की, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बताऊंगी। हम ये पानी ऐड कर रहे हैं, और पानी हमने ऐड जो किया है ना सिर्फ गोश्त से ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, और कौन सी नहीं मेरे ख्याल में नहीं चाहिए, आधा ले थोड़ा सा ले आए जी, मैंने ये आप देख लें कि पानी ऊपर आ गया है, अब हमने बिल्कुल स्लो कुकिंग करनी है 5 to 6 hours 5 to 6 घंटे। कुछ लोग आटा लगाते हैं, मैं फॉइल लगा देती हूँ, 5-6 घंटे तक आप रख के, तो ये 5-6 घंटे मीडियम आंच पे, ये देखिए आपकी निहारी तैयार है, और इसमें अभी आपने कौन सा ये डालना है जी जी जी, ये देखिए आप गोश्त उठाएं और ये देखिए बिल्कुल आराम से जा रहा है, और आप हाथ भी लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमने जो कॉर्न फ्लोर आटा डालते हैं, मैं आटा नहीं डाल रही, इससे थिकनेस कर रही हूँ, ये कॉर्नफ्लोर जो था मैंने ये डाल दिया, इसमें जरा वो थिकनेस आ जाती है, आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालें, अगर थोड़ा थिकनेस चाहिए तो आपको, मैंने 2 tablespoons डाले हैं, और मुझे लगता है 1/2 tablespoon और डालना पड़ेगा जी। ये मैंने प्याज ब्राउन किए हुए हैं, क्योंकि आप थोड़े डाल सकते हैं, मेरे फैमिली वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं उसके अंदर वो पसंद करते हैं। अच्छा, अब मैं रख के रख सकते हैं सेपरेट प्लेट में और सर्व कर सकते हैं। ये बन गई निहारी,
ये निहारी तैयार है। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने ये बनाई है एंड यू मेड इट, प्लीज डू लीव अ कमेंट हाउ इट टर्नड आउट। सो डू एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। निहारी made by Ruby's Recipe.